ना जा। प्रभात। ये लो। ये क्या है? 10 लाख रुपए का चेक है, फारूक को दे दो। लेकिन किस लिए? उसके वालिद साहब के ऑपरेशन के लिए। और किस लिए? लेकिन उसको, देखो रुबाब, जो कुछ भी हो लेकिन इस वक्त वो बेचारा मुश्किल में, और जहां तक मैंने देखा वो थोड़ा बहुत कल्चर्ड है, तुम्हारा ब्रेसलेट लेकर भी उसने नहीं बेचा। सिकंदर, लेकिन वो मैनेज कर लेगा, उसने कहा है हमें। देखो, जब हम उसकी हेल्प कर सकते हैं तो उसे क्या जरूरत है जगह जगह से पैसे मांगने की। लेकिन मुझे, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ठीक है? तुम उसे ये चेक दे दो या फिर मुझे उसका नंबर दो, मैं डायरेक्टली उसे कॉल करके भिजवा दूंगा। नहीं, मैं खुद उसे दे दूंगी। गुड, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं उसे खुद डायरेक्टली दूंगा तो शायद उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आएगी। जी। ये 10 लाख का चेक पकड़ो। ओहो, जा कर रही हो? पैसों की जरूरत थी ना, अपने बाप का इलाज करवा लेना। हाँ तो पैसे मिले कहाँ मुझे? तुमने मेरे हाथ में पैसे नहीं दिए। उठाओ ये चेक और अच्छे बच्चों की तरह मेरे हाथ में। उठाओ। फिर सच में तमीज नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास, और इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है रुबाब, तुम्हारे पेरेंट्स का कसूर है जिन्होंने तुम्हारी तरबियत ही नहीं। अगर तुम्हारी तरबियत अच्छी होती ना तो ये आज सब कुछ मेरे साथ ना करते। तो दिल करता है कि तुम्हें मैं गोली मार दूं। तुम्हारे दिल की हर बात जान, और वैसे भी महबूब के हाथों मौत किस्मत वालों को मिलती है। भाग, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना यार, प्लीज बैठो। बैठो। मैंने कितना कहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ यार, तुम्हारे हस्बैंड को पिक्चर भेज रहा हूँ, उसकी खूबसूरत सी बीवी के दोस्त की हेल्प जो की है उसने। फारूक, ये तुम नहीं करोगे। थैंक्स कहना तो बनता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मत करना। चलो चलो, नहीं करता। क्या याद रहे? लेकिन अपने हस्बैंड को ना मेरी तरफ से थैंक्स जरूर कहना, भूलना नहीं। कॉफी मंगाऊं तुम्हारी? पैसे मिल गए मुझे। जाओ जाओ। सॉरी सॉरी। बहुत स्ट्यूपिड हूं, आंख बंद करके राहिल की हर बात पर एतबार किया, सही को गलत और गलत को सही समझती रही, अपनी मुखलिस दोस्त पर शक किया, सभा को हर्ट किया। या अल्लाह, बहुत दिल दुखाया मैंने उसका। जिद्दी वो बचपन से था,
बागी हो गया सबाब। शादी कर दें उसकी। लेकिन हम सलार के मुकाबले की लड़की लाएंगे कहाँ से? सलार, सलार, सलार। वो बहुत बड़े बाप का बेटा है, हम उससे टक्कर नहीं ले सकते। सच्ची मोहब्बत जिस कीमत पे मिले ले लेनी चाहिए, चाहे वो कीमत इज्जत नफ्स हो। सालार उसके साथ सीरियस हो रहा है। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। बिल्कुल बिल्कुल दीवाना लग रहा था मुझे। वो कोई मोहब्बत में चलकर नहीं आया था, पावर का रोप डालने आया था। वो मामूली सी लड़की सलार सिकंदर को अवॉइड करके उस लड़के के साथ चली गई। मैं चाबी से चलने वाला खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम अपनी मर्जी से हंसाओगे और रुलाओगे। नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ। क्या कहा तुमने सिकंदर? तुमने उस लड़के के बाप के इलाज के लिए रुबाब को 10 लाख रुपए दिए? जी। क्या हो गया तुम्हें सिकंदर? कभी तो अकल से काम ले लिया करो, हमेशा जज्बाती होके सोचते हो। मामा इसमें क्या गलत बात है? उस बेचारी को जरूरत थी, वो परेशान हो रहा था। बाबा आप मुझे खुद बताएं, क्या चैरिटी करना कोई गलत बात है? नहीं बेटा, चैरिटी करना तो गलत नहीं है, लेकिन किसके लिए की जा रही है वो भी तो देखा जाए। देखो तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, तुम्हारी बीवी का इस तरह से इतनी बड़ी रकम किसी को दे देना मुनासिब बात नहीं है। मगर क्यों? सिकंदर तुमने कभी सोचा इस बारे में कि रबाब अपने इस दोस्त पर इतनी मेहरबान क्यों है? क्या मतलब है आपकी इस बात का? मतलब ये कि तुमने मुझे शायद पहले भी बताया था कि रबाब इसे पहले भी बहुत पैसे दे चुकी है। हाँ, क्योंकि वो उसका क्लास फेलो था और पढ़ाई के दौरान उसने फाइनेंशियल हेल्प मांगी थी उसे। और मेरा ख्याल इसमें कोई गलत बात नहीं है, अक्सर होते हैं ऐसे दोस्त जिन्हें मदद चाहिए होती। अव्वल तो मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि रबाब जैसे मिजाज की लड़की और जिस क्लास से वो बिलोंग करती है उसका ये लड़का दोस्त हो कैसे सकता है। चलो मैं मान लेती हूँ कि दोस्ती हो भी गई है, तो असूलन ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। इतना कीमती तोहफा था तुम्हारा जो उसने हाथ से उतार के उसे दे दिया और झूठ बोला। बेटा सिर्फ इस कीमती चीज की बात नहीं है, बात तो ये है कि इससे पहले भी हो चुका है। याद नहीं तुम्हें वो जो जेवर चोरी हुए थे, किस अंदाज से चोरी हुए थे, किस अंदाज से मिल गए थे, और फिर उनका घर में जिक्र ना करना, अच्छी मालियत का जेवर था वो। ये सब चीजें जो है ना बेटा, ये गलत तरफ इशारा कर रही है। आंखें खोलो वरना नुकसान उठाओगे। मैं सोच रहा हूँ शौकत से बात करूं, उसे बताऊं तो सही, ये देखिए जरा उसकी बेटी क्या गुल खिलाती फिर रही है। नहीं मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है, ये हमारे घर की बात है। इनफैक्ट मेरा और रुबाब का पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं लगता कि ये मुनासिब है कि हम शौकत अंकल को इसमें इन्वॉल्व करें। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? लिसन मामा, जस्ट रिलैक्स, क्या हो गया आपको? I'll handle it, ना मैं बात करता हूँ रुबाब से। ठीक कह रहा, करने दो उसे, देखते हैं। अरे तुम कब आई? अभी बस थोड़ी देर पहले। वो पैसे दे दिए फारूक को? जी दे दिए, थैंक यू कर रहा था बहुत ज्यादा आपका। अव्वल तो मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि रबाब जैसे मिजाज की लड़की और जिस क्लास से वो बिलोंग करती है उसका ये लड़का दोस्त हो कैसे सकता है। चलो मैं मान लेती हूँ कि दोस्ती हो भी गई है, तो असूलन ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। इतना कीमती तोहफा था तुम्हारा जो उसने हाथ से उतार के उसे दे दिया और झूठ बोला। वो सिकंदर? हाँ वो, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, 1 से 1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ओके अपना ख्याल रखना। ओके भाई। कहीं सिकंदर को भी तो अंकल आंटी की तरह मुझ पे शक नहीं हो गया? अंकल ने अगर डैड को बता दिया फिर फारूक ने तो आज मुझे सच में फंसवा दिया।
अब मैं क्या करूंगी? तुम भी सोचती होगी कि मैं कितनी अजीब हूं, बार बार तुम्हारे पास आ जाती हूँ माजरत करने। ट्रस्ट मी अलीना, मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है। एंड आई एम नॉट अ कंफ्यूज पर्सन लाइक यू, कि जिसे ये मालूम ही ना हो कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। काश मैं भी तुम्हारी तरह मसरूफ रहती, इस गिल्ट से निकल जाती जो मुझे हर वक्त परेशान रखता है। काश मैं अपने पास्ट में जाके उन लम्हों को बदल सकती जब मैं राहिल से मिली थी। अलीना, तुम इतना रिग्रेट कर रही हो राहिल से शादी करने में? हमारी लाइफ में तो ये सारा मैस तभी स्टार्ट हुआ था ना, वरना तुम्हें याद है तुम और मैं कितना खुश थे? याद है, लेकिन मैं तो अब भी बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ मैं अपनी जिंदगी से। तुम्हें पता है सिकंदर भाई, अपने मुतालिक बात करनी है तो ठीक है, मुझे किसी और को डिस्कस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सबा, क्या हम पहले की तरह दोस्त नहीं बन सकते? नहीं, उसकी वजह तुम, तुम्हारी ही वजह से आज हमारी दोस्ती इस मोड़ पर आ खड़ी है। एक बार नहीं अलीना, दो बार मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है। सब मैं जानती हूं मेरा कसूर है, मेरी गलती है, आई एडमिट इट, कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मैं भी तुम्हें मिस करती हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ, एक दूसरे से छोटी बात शेयर करना, सब कुछ मिस करती हूँ। लेकिन सच बोलूं तो मैं बहुत डर गई हूँ तुम्हारे बेवजह के इल्जामात में और नहीं सह सकूंगी। आई प्रॉमिस सबा, आज के बाद आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या हो गया अलीना तुम्हें? इतनी छोटी छोटी बातों पे रोने लग गई हो? ऐसी तो नहीं थी तुम तो लोगों को रुला देने वालों में से थी। पता नहीं राहिल कैसा है। ठीक है, अपने काम में बिजी है, मुझसे जान छुड़ाकर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। तुम इस तरह बदगुमान तो नहीं होती थी? इस आदत को बदल लो। सर से पैर तक तो बदल चुकी हूँ, अब और क्या क्या आदतें बदलूं मैं? सबा, घर का माहौल दिन ब दिन स्ट्रेसफुल होता जा रहा है, दिल ही नहीं करता घर जाने का, क्या करूं? मॉम तो भई ऐसी, लेकिन अलीना पता नहीं उसको क्या होता जा रहा है, चिड़ी रहती है हर वक्त, उसको लगता है कि हर बात में सिर्फ मेरा ही कसूर है, मेरी गलती है। ये सब तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी के लिए जमा किया है, और इसलिए इन सब पे सिर्फ तुम्हारा हक है, ये चोरी हरगिज नहीं है। शैला, ओ शैला, क्या बात है? अभी तक तुम यहाँ बुध बनी खड़ी हो, सामान वान पैक करा लिया? हो गया सब, बैग में रख लिया। बस तो फिर ठीक है, जल्दी जल्दी उठाओ, और नीचे भाई गाड़ी में खड़ा है, वो इंतजार कर रहा है। अब देर मत करना, वरना तुम्हें पता है उसको कितना गुस्सा आता है, और उसकी सारी बातें मुझे सुननी पड़ेंगी। जी। सुल्ताना जी। भाभी क्या कर रही हो? मीठा बना रही हूँ।
किसके लिए? सिकंदर साहब के लिए। सिकंदर को मीठा पसंद है? जी, घर में तो रोज ही मीठा बनता है उनके लिए, और आज तो बेगम साहब ने खास काय बनाने के लिए। मैंने भी तो सिकंदर की कभी पसंद नापसंद नोटिस ही नहीं की, और कहने को मैं उनकी बीवी हूँ। चलो छोड़ो, मैं बना देती हूँ। नहीं भाभी, आप नहीं। क्यों, याद नहीं आपको, एक दफा आप किचन में कुछ बना रही थी, आपका हाथ जल गया था और बेगम साहब ने हमें बहुत गुस्सा किया था। सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हुई है ना, मैं अब एहतियात से काम करूंगी, फिर शटो मैं बना लेती हूँ। तुम जाके दूसरा काम देख लो। सिकंदर से पीछा छुड़वाने के लिए अपनी जात से मैंने सबको तकलीफ दी, कैसे मदावा करूंगी मैं इन सब चीजों का। नहीं बेटा, चैरिटी करना तो गलत नहीं है, लेकिन किसके लिए की जा रही है वो भी तो देखा जाए। देखो, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। अव्वल तो मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि रबाब जैसे मिजाज की लड़की और जिस क्लास से वो बिलोंग करती है, उसका ये लड़का दोस्त हो कैसे सकता है। चलो मैं मान लेती हूँ कि दोस्ती हो भी गई है, तो असूलन ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। इतना कीमती तोहफा था तुम्हारा जो उसने हाथ से उतार के उसे दे दिया और झूठ बोला। रुबाब बहुत सादा दिल है, हेल्पफुल है। हम जिस तरह सोचती हैं, आई एम श्योर वो ऐसी नहीं है। मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं हो सकती। कौन से ब्यूटी पार्लर गई है? इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक नहीं आई। बेटा वो फरुख ही लेकर गया था उसको। लेकिन अभी तो बहुत टाइम हो गया। हाँ है, शैला आ जाए तो हमारी रसूमात करवा दें प्लीज। मैं बस रहा, मैं एक सेकंड अम्मा के पास। अम्मा? हाँ? अब अभी ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी कोई भी बड़ा फैसला ले लेगा और हम सबको शॉक कर देगा। ये अपना बुढ़ापा संवारना चाहते थे, छीनना चाहते थे हमसे तुम्हें। ये कोई तरीका नहीं कि आप हमारे घर में खड़ी होकर हम पर और हमारी बेटी पर इल्जामात की बौछार कर दे। अब से भूल गई है, आपके बेटे हारिस की वजह से आपका दूसरा बेटा खाते जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। इसमें भी तुम्हारी जरूर कोई प्लानिंग होगी। अब्बा को सिर्फ एक ही काम करने के लिए कहा था, वो भी वो ढंग से नहीं कर सके। शैला को पॉलर से यहाँ लेकर आना था, लेकिन अभी तक देखे नहीं पहुंचे ना, वो नहीं किया अपना काम पूरा। अम्मा उनकी वजह से इवेंट लेट हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ यार। तुम्हें भी तो अंगूठी पहनने की बहुत जल्दी थी। झट हूँ अंगूठी पहन के तुम बैठ गए, ना तुमने बहन की परवाह की ना अपने बाप का इंतजार किया। हाँ जरा फोन तो करो, कहाँ रह गए। अच्छा सुनो, वो एड्रेस सही दिया था तुमने, कहीं भटक ना रहे हो इधर उधर। अम्मा पागल हूँ कि मैं एड्रेस गलत दूंगा? हॉल का एड्रेस ही दूंगा ना। ठीक एड्रेस दिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे। कॉल रिसीव करे तो पता चले ना कि कहाँ है, किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। Thank you.
भाई कहाँ रह गए तुम्हारे बाप? करो ना कॉल, बिलाओ बार बार। अम्मा तुम्हें वह की फिक्र है या शैला की? मैंने तुम्हें लाख दफा मना किया था कि ये जो शैला है इसकी शादी या रिश्ता ये रूमी के कजन से मत करो, लेकिन नहीं तुमने तो मानी नहीं ना, चला नहीं अपनी बात। अब भुगतो, फंड मार दिया पूरे इवेंट के अंदर तुमने। अब अगर सोचो, अगर शैला यहां नहीं आई तो मेरी रूमी के खानदान में क्या इज्जत रह जाए? अल्लाह ना करे बेटा, क्या ऑल फॉल बके जा रहे हो तुम? और तुम्हें भी तो सिर्फ अपनी ही फिक्र है, तुम्हें तो ना जवान जहान बहन की फिक्र है ना अपने बाप की परवाह। हाँ रूमी, दाल में कुछ काला है, चलकर देखें प्लीज। तनी कहाँ गायब हो गए, करो उनको फोन, देखो। मेरा तो दिल घबरा रहा है, पता नहीं खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो गया। हादसा क्या हुआ? सब ठीक तो है? शैला और अंकल किधर हैं? हाँ वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। एक्चुअली उनका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? हाँ एक्सीडेंट हो गया, वो जिस गाड़ी में यहाँ आ रहे थे उसे ट्रक ने हिट कर दिया, दोनों को माइनर चोटें आई हैं और हॉस्पिटल में हैं इस वक्त। ओह माय गॉड, सब ठीक तो है? वो भी तो बहुत बुरा हुआ है उनके साथ। हाँ बहुत बुरा हुआ है, क्या कर सकते हैं, मैं खुद परेशान हूँ। अम्मा चलें, हमें जाना होगा वहाँ पे। हाँ हाँ, तो इसका मतलब है कि नोमी और शैला की एंगेजमेंट नहीं होगी? वो मजबूरी को समझो, हमें तो इस वक्त शैला की बहुत फिक्र है, बस तुम दोनों दुआ करना। अब मैं चलूं साथ? नहीं तुम मतलब आप क्या क्या करोगे हमारे साथ? आपका तो इवेंट है, गेस्ट आ रहे हैं, उनको देखना होगा ना। तो नोमी प्लीज तुम यहीं रुको, रूमी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। अम्मा चलो। हाँ चलो। अच्छा बेटा ख्याल रखना। हेलो। मुझे यकीन था तुम इस वक्त जाग रही होगी। तुम जानती तो नींद से कोई खास दोस्ती नहीं रही मेरी। तुम बताओ इस वक्त याद किया, सब खैरियत तो है? आजकल मेरी भी नींद से नाराजगी चल रही है। जावेद का वेट कर रही हूँ, बाहर गए हैं दोस्तों के साथ। अच्छा ये बताओ कल का क्या प्लान है तुम्हारा? कोई खास प्लानिंग तो मैंने की नहीं है जिंदगी की। सबीन मैं कुछ पूछ रही हूँ। हाँ कुछ खास नहीं। तो कल फिर हम लंच कर रहे हैं साथ। लंच कहाँ? किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में और कहाँ? अरे तो फिर ऐसा करो ना कि तुम घर आ जाओ, साथ मिलके लंच करते हैं। तुम्हें पता है ना मैं बाहर बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। लोगों से भागना छोड़ दो सबीन, तुम कब से कुल एंटी सोशल होती जा रही हो? अगर आबिया, मैं कुछ नहीं सुन रही। कल का प्लान पक्का है, अभी तुम सो जाओ ताकि कल तक तुम फ्रेश हो जाओ। ओके ओके गुड नाइट बाय। मेरी तो अकल कुछ काम ही नहीं कर रही। या अल्लाह तू हम पे अपना रहम कर दे, मेरा बच्चा अलग मारा मारा फिर रहा है, क्या करूं? क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला? अरे हाँ पता चला अम्मा, हॉस्पिटल तक चला गया कि पावर से लेके हमारे घर के रास्ते तक अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो भी पता चल गया। लेकिन कुछ नहीं पता चला, पता नहीं कहां चलेगा यार। पता नहीं कहां चली गई ये लड़की, ये तो गई गई साथ में तुम्हारे बाप पता नहीं कहां चले गए। अरे अब्बा का तो अम्मा अम्मा मुझे शक हो रहा है ये कहां गए होंगे, और अगर शैला वहां मिली ना मुझे तो मेरे हाथों इसका आज कत्ल होकर आएगा। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मेरी इतनी बेइज्जती कराई है ना इसने। अरे रुको रुको,
कॉफी? थैंक यू। इसकी क्या जरूरत थी? आपके लिए कॉफी बनाना तकल्लुफ तो नहीं मेरे लिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। क्या आपको भी अंकल आंटी की तरह मुझ पे शक है कि मैंने उनकी बातें सुनी? अंदाजा था मुझे। खैर अपना दिल खराब मत करो, बस इग्नोर कर दो उनकी बात। कैसे इग्नोर कर दूं? आप भी तो मुझसे अपसेट है, मुझसे बात ही नहीं कोई की। सही बात है, असल में मैं कंफ्यूज हो गया। मामा ने जब मुझे बताया था फारूक के बारे में तो मैं, खैर छोड़ो ना इस टॉपिक। आई एम श्योर इट वॉज कम्प्लीटली अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे तुम पे पूरा यकीन है रुबा, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम्हारे दिल में जो कुछ भी होता है तुम किसी को बताने से छुपाती नहीं हो। भले तुम्हें मुझसे नफरत है, कभी मोहब्बत थी नहीं, मगर मुझे यह पता है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। देखो मैं जानता हूं कि मामा की बातों ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, एंड स्पेशली मेरे रवैये ने। उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आप मुझसे माफी मत मांगिए, प्लीज मत रो। मुझे आपसे बात करनी है। कहो। वो जब, क्या बात है रुबाब, खुलकर कहो ना। सिकंदर, हमारी शादी जिन हालात में हुई मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जानता, I completely agree with you. लेकिन at the end of the day मेरे लिए यही काफी है कि तुमने एटलीस्ट अपनी फैमिली की खुशी रखने के लिए इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की। सिकंदर, मैंने ये शादी फोर्सफुली की थी, लेकिन एक गलत फहमी थी है, और कुछ नहीं। अगर मैं इस घर पे हूं, अगर हम दोनों का ये रिलेशनशिप है, अगर ये हमारा ताल्लुक है, तो सिर्फ सिर्फ आपकी वजह से सिकंदर। और मैं आपको चाहने लगी हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, और मैं नहीं चाहती मैं आपसे दूर जाऊं कभी भी। आपसे बहुत प्यार करती हूं। बता मुझे कहां है शैला? कुछ शर्म आया है तुम्हें? अरे क्या शर्म, क्या आया? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शैला का है, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बताओ शैला कहाँ है? शैला वो, शैला कहाँ है बताओ मुझे, जाऊँ मैं? तू यहाँ क्या कर रही है बेगैरत? हमारी इज्जत का दिवालिया निकाल के यहाँ खड़ी है? चल मैं आपके साथ आगे नहीं जाऊंगी अम्मा। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने साहिल से शादी कर ली है। क्या? तेरे इतनी छोटा कि हमारी आंखों में धूल झोंके तूने इस भिखारी, इस भूखे के शादी के लिए? मैंने करवाई है शैला की शादी एक बाप की हैसियत से, इसकी मर्जी से,
रिश्ता जोड़ा है मैंने साहिल के साथ। आपने ये शादी करवाई है? हाँ मैंने करवाई है, इसलिए कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी को तुम लोगों की लालच की भीड़ नहीं चढ़ाना चाहता था, और ना ही मैं ये बर्दाश्त कर सकता था कि बुरे काम तुम लोग करो और कफारा मेरी बेटी अदा करे, इसलिए करवाई है मैंने ये शादी। कुछ शर्म नहीं आई? इस भिखारिया फकीर को अपनी बेटी दे दी आपने? तमीज से बात करो रुबीना, तुम हमारे दामाद की बात कर रही हो। अरे दामाद होगा ये आपका? ये मेरा कुछ नहीं लगता, मैं बस दामाद हूं। मैं कहता हूं तुम्हारा भाई हूं यही है, लेकिन तुम्हें रिश्तों की इज्जत कहां है? अरे मेरा कोई रिश्ता नहीं है इससे, आपका होगा रिश्ता। अच्छा तो फिर दफा हो जाओ यहां से, तुम लोगों की तो इज्जत नहीं है ना, लेकिन इन भले लोगों की तो इज्जत है, निकल जाओ यहां से। घर तो आएंगे ना, अच्छी तरह पूछ लो क्या नहीं आ रहा मैं उस घर, क्योंकि मुझे और मेरे जमीर को यह गवारा नहीं कि मैं तुम लोगों के हराम के पैसे से बनाए हुए उस महल में अब मजीद एक सांस भी लूं। मेरी मजबूरी मेरी बेटी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जिम्मेदारी मैंने निभा ली है, अल्लाह का शुक्र है अब मेरी कोई मजबूरी नहीं रही, और ये मोहल्ला और इस मोहल्ले में मेरा घर यही मेरी शनाख्त है, मैं यही पैदा हुआ था और यही मरूंगा, और तुम्हें तो यहां रहने में शर्म आती है ना, लेकिन तुम देख लेना एक दिन तुम लौट कर यहीं पे आओगी। अरे कोई नहीं हम यहां, आपका मोहल्ला आपका घर आराम करेगी इधर, लेकिन तू मेरे हाथ से बच कर ही है, तू मुझे बाहर मिला तेरी तो जान लेकर आऊंगा। तुम यहां घड़ी क्या कर रही हो? अहमद बेवकूफ पागल अजीब हो रहा, तो हो जाओ तुम भी निकलो। पागल आई एम सो सॉरी मेरी बहन, ये सब तमाशा भी बस आज ही होना था, इसे आगे नहीं कुछ वो तो देख के देखेगी। अरे बहन इसी बात का तो रोना है, उसमें इतनी गैरत होती तो फिर ये सब कुछ कैसे होता, कुछ भी नहीं होने वाला, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो अपने अलावा कुछ भी नहीं सोच सकता। आप अपने नाम रखिए, कुछ भी नहीं होगा बेटा, चल ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मॉम, अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम? बगैर बताए आए? नायला और खुर्रम ने भी नहीं बताया, बैठो तो खड़े क्यों? आंटी उन्हें मैंने मना किया था और राहिल को भी, एक्चुअली सरप्राइज देने का मजा ही अलग है। बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारा ये सरप्राइज। और बताएं कैसी हैं आप? वैसे देखें मैं आपसे हाल पूछ रहा हूँ, देखने में तो माशाल्लाह बिल्कुल। तुम अभी भी नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, नॉटी। लेकिन ये राहिल को क्या हुआ है, ये इतना खामोश क्यों है? सब सही है ना? कब से हम ही बात किए जा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है इस कमरे में सिर्फ आप हैं और मैं पास। हम कौन? मॉम को निकाल दो बीच में से, क्योंकि बात सिर्फ तुम कर रहे हो, और हमेशा से ये होता है जब तुम बोलते हो ना, किसी और की कोई मजाल नहीं होती कि तुमसे बात करे, बंदा दीवार में सर मार ले लेकिन तुमसे बात ना करे, क्योंकि बातों में तो तुम हमेशा जीतते हो। अब आया ना ये फॉर्म में, वैसे मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा तो है कि ये इतना चुप चुप खामोश क्यों रहता है, बट वो क्या है कि दिखाई नहीं दे रही वो। भाई अब तो मिलवा दो यार, 15 घंटे सफर करके आया हूं मैं। रूम में बुला के लाता। यानी मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था, ये तो फौरन से समझ गए आंटी। जाहिर है तुम्हारा अंदाजा है ही इतना ऑब्वियस, किसी को भी समझ में आ जाए।
हलीना जरा बाहर आओगी? कहाँ? लाउंज में। क्यों? शाइस्ता आंटी ने कोई फिर शिकायत की है मेरी? राहिल मैं तो सारा दिन कमरे में रही हूं, मैं तो उनसे मिली भी नहीं हूं, तो फिर अब मैंने क्या कर दिया है? ये बात नहीं है, हर वक्त लड़ने के मूड में रहती हो तुम। बाहर इसलिए बुला रहा हूं कि मेरा कजन आया, बाजिल नाम है उसका, मेरा सेकंड कजन है, मॉम के कजन का बेटा है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उससे अच्छे से मिलना, मूड ठीक रखना। थोड़ा टॉकेटिव है, थोड़ा नहीं बहुत टॉकेटिव है, हो सकता है तुम्हें थोड़ा इरिटेट भी करे, तंग भी करे, हंसी मजाक करे, लेकिन बर्दाश्त कर लेना ये सोच के कि मेहमान है। ओके, लेकिन तुम्हें इतनी सारी बातें बोलने की जरूरत नहीं थी राहिल, मुझे पता है कि गेस्ट से किस तरह मिला जाता है और क्या बात की जाती है। थैंक यू, चले चलो। ऐसे क्या देख रही हो तुम? कुछ नहीं, इतने अरसे के बाद आप इस तरह से सुकून से सोए हैं। पता है कल और आज में ना बहुत फर्क होता है। बहुत जमाने के बाद बेहद रिलैक्स होकर सोया हूं मैं, सारी फिक्रें भूल कर, सारी टेंशनों से आजाद। सिकंदर कहो, यू नो आई रियली लव यू एंड आई लव यू टू, आई मीन इट। आई नो, दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब ना जा।